ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनम जुल्फिकार जफर है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस और आप लोग भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस से काफ़ी हद तक फेमिलियर होंगे कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं और ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, लेकिन जो फेमिलियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये एक्चुअली पता हो कि हमें इनको सॉल्व कैसे करना चाहिए। इनसे पहले इनके बारे में बताने से पहले मैं पहले ये बताऊंगी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को यूज कर रहे होते हैं, बट हमारे अंदर ये सॉर्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती कि एक्चुअली मतलब है क्या, इनकी डेप्थ क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। क्लाइंट्स जनरली जब हमारे पास थेरेपी में आते हैं, काउंसलिंग सेशंस में आते हैं, तो उनकी वो भी एक यूज कर रहे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम जनरल लोग भी। अभी जब मैं आपसे इनके बारे में बात करूंगी तो मोस्ट ऑफ यू के माइंड में ये थॉट आएगी कि अरे हाँ, ऐसा तो होता है मेरे साथ भी लाइफ में, ऐसा तो मैं भी इस तरह कभी सोच लेती हूँ। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां हम क्लाइंट्स के साथ उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को अनरैवल करते हैं। और अच्छा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते क्या हैं? उनके अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न्स। जब हम अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न डेवलप करते हैं अपने माइंड में, जहां हमें फील होता है कि हमारी थॉट्स जो हैं वो बहुत ट्विस्टेड हैं, टर्न्ड इन एंड आउट हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में सोचें, तो हम बहुत फॉल्टी अजम्पशंस फॉर्म करते हैं अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग्स और अपने इन्वायरमेंट के बारे में। और एट द सेम टाइम हमारे अंदर अटेम्प्ट से इंसाइट नहीं होती कि हम अपनी रॉन्ग थिंकिंग को क्वेश्चन भी करें। अगर दूसरा हमें पॉइंट आउट भी कर रहा होता है तो हम उस तरीके से नहीं सोच पाते हैं। सो दिस इज वॉट इज वेन वी आर गोइंग इन टू कॉग्निटिव, वेन वी आर गोइंग इन टू अ थिंकिंग विच इज कॉग्निटिवली डिस्टॉर्टेड। देर आर इन टोटल 15 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, बट आई वुड बी डिस्कसिंग 7 ऑफ देम, एंड आई वुड बी डिस्कसिंग देम इन क्वाइट डिटेल विद एग्जाम्पल, सो दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला वाला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इज वेन अ पर्सन फिल्टर्स आउट, इग्नोर्स द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, द पॉजिटिविटी, एंड कॉन्सेंट्रेट्स on only that negativity. For example, एक negative piece of information की basis पे वो पूरी positivity को overlook और ignore कर देना, that is called filtering. जैसे कि जब हम चाय बना रहे होते हैं और जब हम चाय को filter कर रहे होते हैं, तो हम पत्ती को filter करते हैं और चाय अंदर डालते हैं ना, मग के अंदर। तो आप इसी तरह ये समझ लें कि जो चाय है basically वो है आपकी पॉजिटिविटी और पत्ती जो है वो आपकी है नेगेटिविटी। तो जो इंसान फिल्टरिंग यूज कर रहा होता है वो क्या करता है कि वो उस पत्ती, इस नेगेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता है, और वो जो चाय जो एक्चुअली उसको कंज्यूम करनी चाहिए पॉजिटिविटी, उसको इग्नोर एंड ओवरलुक कर देता है। इसका एक बहुत ही कॉमन मैं एग्जाम्पल दूंगी, जैसे एक रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने एक नेगेटिव कॉमेंट पास कर दिया दूसरे पार्टनर की तरफ, एनी नेगेटिव कॉमेंट। अब उस नेगेटिव कमेंट के बेसिस पे द पर्सन, द अदर पार्टनर विल ओवरलुक द इयर्स ऑफ केयरिंग, लव, सैक्रिफाइस इन दैट रिलेशन, और वो उसी को लेकर बैठ जाएगा कि नहीं, इसने मुझे बुरा बोला है, इसने मुझे सॉरी नेगेटिव कमेंट पास किया, यही सही है। मतलब वो जो इतने इयर्स की एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रही है, वो एक लव रहा है, वो उसको बिल्कुल ओवरलुक, इग्नोर अपने माइंड से कर देगा, ब्लॉक कर देगा, वो सिर्फ उस नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही उस रिलेशनशिप को एक्चुअल में जज करना स्टार्ट कर देगा। देन आई कम टू द सेकेंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, विच इज पोलराइज्ड थिंकिंग, विच इज एक्चुअली थिंकिंग इन एक्सट्रीम्स। टू पोलर्स में हम, टू ऑपोजिट पोल्स हैं, उन पे हम थिंक कर रहे हैं। सबसे पहला वाला जो है ब्लैक, एंड द अदर एक्सट्रीम पोल इज द व्हाइट। बीच में दैट फॉल्स इज द बैलेंस बिटवीन द टू पोल्स, ब्लैक थिंकिंग एंड व्हाइट थिंकिंग, विच इज शेड्स ऑफ ग्रे। अब इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ देयर इज अ पर्सन हु इज गुड इन एवरीथिंग,
उससे कोई भी काम करवा लो, बी इन एकेडमिक्स, ऑफिस रिलेटेड, घर का काम, कुछ भी, हर काम में वो मास्टरी उसने अचीव की हुई है और वो कर सकता है, मगर और इस बेसिस पे वो अपने आप को एक परफेक्ट इंडिविजुअल समझ रहा है, विच इज अगेन अ कॉग्निटिवली डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, बिकॉज अल्लाह ताला की जात के अलावा नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. अब कुछ टाइम बाद उससे उन्हीं कामों में गलतियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मिस्टेक्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी थिंकिंग अचानक से एक परफेक्ट इंडिविजुअल से होने के साथ फेलियर, द टाइम ऑफ फेलियर, एक फेल्ड इंडिविजुअल की तरफ आ जाती है. यानी परफेक्ट, पहले परफेक्ट इंडिविजुअल, उससे अचानक से ड्यू टू सम ऑफ द मिस्टेक्स अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, विच इज अगेन अ वेरी वेरी कॉग्निटिवली डिस्टॉर्टेड थॉट. ही इज नॉट एबल टू थिंक इन शेड्स ऑफ ग्रे के फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मैं एक परफेक्ट इंसान हो नहीं सकता, कुछ कामों में मुझे मास्टरी है, कुछ कामों में मुझे नहीं है. इंसान की अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा काम परफॉर्म कर सकता हूँ और कौन सा काम नहीं परफॉर्म कर सकता. एंड और अगर मुझसे अब मिस्टेक हो भी गई है तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड मूविंग ऑन, व्हाई एम आई कीप ऑन होल्डिंग टू दोज मिस्टेक्स, मतलब उसने अपनी थिंकिंग सिर्फ टू ऑपोजिट पोल्स की तरफ डायरेक्ट की हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट. उसको न्यूट्रल टर्म्स में उसको सोचना नहीं आ रहा है कि मिस्टेक से मुझे लर्न करके मूव ऑन करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए. ही इज नॉट एबल टू डेवलप अ रैशनल एंड अ बैलेंस थॉट बिटवीन द टू पोल्स. थर्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ओवर जनरलाइजेशन. अब ओवर जनरलाइजेशन भी एक बहुत कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, जो कि मोस्टली मोस्टली क्लाइंट्स ओवर जनरलाइजेशन तो यूज करते ही करते हैं. डिप्रेसिव क्लाइंट्स, क्लाइंट्स विद एंग्जाइटी, और इन इनके पास हमेशा ओवर जनरलाइजेशन जो होती है हमेशा एक तरह से पाई जाती है. मगर कुछ लोग होंगे जो क्लाइंट्स के अलावा, जो क्लाइंट्स नहीं है, नॉर्मल लोग, वो भी ओवर जनरलाइजेशन आई एम श्योर कहीं ना कहीं लाइफ में यूज करते होंगे. ओवर जनरलाइजेशन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंड वन नेगेटिव एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे आपने सोच लिया कि सारे एक्सपीरियंसेस और वो सारे लोग एक जैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ये मैं दे सकती हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेड सी अचीव किया है किसी सब्जेक्ट में. अब उसने वो ग्रेड अचीव करने के बाद ही सीवियरली अपसेट एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड, उसके माइंड में ये थॉट्स आ रही हैं अपने बारे में, बिकॉज ओवर जनरलाइजेशन में देर आर ओवरली नेगेटिव थॉट्स अबाउट योर सेल्फ एंड द इन्वायरमेंट एंड द सराउंडिंग्स अपने बारे में. नाउ ही इज थिंकिंग दैट ही इज अ लूजर, वो आगे नहीं अब ये सब्जेक्ट कर सकता है, उसको ये सब्जेक्ट आता ही नहीं है, वो कभी भी इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकता, वो उसको स्कूल से निकाल देंगे, उसकी नेक्स्ट ग्रेड में या यूनिवर्सिटी में प्रमोशन नहीं होगी. आहिस्ता आहिस्ता उसकी थिंकिंग सेल्फ से होते होते उसके इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स तक आनी स्टार्ट हो जाती है कि हिज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, हिज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, देयर इज नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ही कैन नॉट गेट अ गुड जॉब. अभी वो फेल हुआ है, अभी उसको सी मिला है सब्जेक्ट में, नेक्स्ट टाइम जब वो रीअटेम्प्ट करेगा तब भी उसको सी मिलेगा, तो अभी हुआ है तो हमेशा ही ऐसा होगा. दिस इज कि आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे आपने कंप्लीटली अपनी लाइफ, अपने आप की एक फॉल्टी अजम्पशन, एक फॉल्टी पिक्चर अपने माइंड में पहले से ही फ्यूचर तक तैयार कर लिया. दैट इज ओवर जनरलाइजेशन. उसके बाद है फोर्थ, जंपिंग टू कंक्लूजन्स. जंपिंग टू कंक्लूजन्स अगेन एक बहुत ही सिवियरली एक कह सकते हैं नेगेटिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जो कि इंसान को बेसिकली सही डायरेक्शन में सोचने ही नहीं देता. यहाँ पे इंसान दो तरह की चीजें यूज करता है, फर्स्ट माइंड रीडिंग एंड सेकंड फॉर्च्यून टेलिंग. नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज माइंड रीडिंग. माइंड रीडिंग ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा देख रहा है, अब यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल दूंगी, अगर कोई आपको स्ट्रेंजर देख रहा है, वो आपको नहीं जानता, मगर जो इंसान जंपिंग टू कंक्लूजन्स वाला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यूज करता है उसके माइंड में हमेशा ये वाली सोच आएगी कि मुझे देख रहा है ये तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोच रहा होगा,
ये तो सोच रहा होगा कि मैं कितना अजीब लग रहा हूँ या मैं कितनी आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मतलब हम एक ऐसी अजम्पशन और कंक्लूजन दूसरे के बारे में बना लेते हैं, अगर वो बंदा स्ट्रेंजर भी हो और अगर वो बंदा जानता भी हो हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फ्रेंड हमें इस तरह देख रहा है तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये क्यों ऐसे देख रहा है, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है, या फिर आज क्या मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, या फिर आज मेरे फेस पे पिंपल्स निकले हुए, मतलब क्या आज मैं कोई फनी लग रही हूँ। इस तरह की चीज, मतलब हम अपने माइंड में नेगेटिव अजम्पशंस बनाते जाते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और हम उन अजम्पशंस के बेसिस पे कंक्लूजन्स निकालते रहते हैं। सो दैट इज माइंड रीडिंग, कि हमें मतलब हमसे बेहतर कोई नहीं जानता यहाँ पे कि दूसरा जो है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। वो अगर अच्छा भी अगर सोच रहा होगा, लेकिन नहीं, हमारे माइंड में हमेशा यही आएगा कि वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। इसी का दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं फॉर्चून टेलिंग। इसमें ये होता है कि लोग जो हैं वो अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ, रिलेशनशिप, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वर्क, उनसे रिलेटेड सर्टेन कंक्लूजन्स और प्रिडिक्शंस फॉर्म करते हैं, और फिर वो एक्चुअली एक्चुअली इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के अंदर इनसाइट ना होने के बराबर हो जाती है, कि पता भी नहीं चलता कि उन प्रिडिक्शंस और उन अजम्पशंस को सच समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ लेडी हु इजंट मैरिड येट, एक औरत है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो दूसरे कपल्स को देख रही है, दूसरे शादीशुदा कपल्स को देख रही है, दूसरे जो लोग रिलेशंस में उनको देख रही है, और वो अचानक से अपने माइंड में एक फ्यूचर का अजम्पशन बना लेती है कि मतलब आई डिजर्व टू बी सिंगल, आई एम सिंगल, आई विल स्टे सिंगल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई कैन नेवर फाइंड लव, मेरी तो कभी शादी नहीं होगी। और वो इस चीज को सच समझने लगती है, और फिर इस अजम्पशन के बेसिस पर उसकी लाइफ चलती है। सो दिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है, ये हमारी पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह के डोमेन को बहुत सीवियरली इफेक्ट करता है। देन कम्स कैटेस्ट्रोफाइजेशन। अब कैटेस्ट्रोफाइजिंग कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जहां पे, अब इसको समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस में, इजी वर्डिंग में आपको समझाऊंगी, जहां पे नेगेटिविटी को मैक्सिमाइज किया जाता है, एग्जैजरेट, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको प्रसीव किया जाता है, और पॉजिटिविटी को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, साइड पे कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। जैसे जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होते हैं, तो नेगेटिविटी को हम मैक्सिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखें तो हमें करीब की चीज बड़ी नजर आती है, फिर दूर वो छोटी होती रहती है। इन द सेम वे कैटास्ट्रोफाइजिंग भी बिल्कुल इसी तरह का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि एक डिप्रेस्ड क्लाइंट थेरेपी में आया है, और वो एक एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसने दो चीजें शेयर की हैं। उसने कहा है कि मुझसे वंस एक जॉब पे मिस्टेक हो गई थी, अब उस मिस्टेक की वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया सोशली कि मुझे लगा कि उस मिस्टेक की वजह से मुझे तो बॉस जॉब से निकाल देंगे, मुझे मतलब किसी को पता चलेगा तो मेरा लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, उनको लगेगा कि मुझे काम आता ही नहीं है, अभी तक मैं समझ ही नहीं सकूंगा कि किस तरह से इस मिस्टेक से मुझे लर्न करना चाहिए, या फिर क्या मुझे ऐसी चीज करनी चाहिए कि ये मिस्टेक जो है ये कवर अप हो जाए। मतलब उस एक बेसिस की, उस एक मिस्टेक की वजह से उसने जॉब छोड़ दी। उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस चीज बॉस से डिस्कस करता, या अगर बॉस भी नहीं, अगर उसके दिल में बॉस का फेयर है तो कुलीग से डिस्कस कर लेता, एटलीस्ट मुझे कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल जाता। तो उसने अपनी एक छोटी सी मिस्टेक को इतना एग्जैजरेट कर दिया। एट द सेम टाइम इसी एम्प्लॉय ने कुछ एक साल पहले एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, तो उसने अपने टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं किया। सिंस ही इज डिप्रेस्ड, ही इज सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो वो हमेशा उसने उसने कहा कि तो क्या हुआ अगर मुझे अवार्ड मिल गया, मुझसे ज्यादा डिजर्विंग एम्प्लॉयज भी थे, मैं तो नहीं मतलब ये अवार्ड डिजर्व करता था, तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। हम डिप्रेसिव क्लाइंट्स के अंदर हमेशा ये ट्रेट फाइंड करेंगे कि उनकी लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होगा, वो हमेशा उसको छोटा
छोटी वैल्यू ही देंगे, ना होने के बराबर, और उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसी को वो बार बार रिपीटेडली मैग्निफाई करते रहेंगे, एग्जैजरेट करते रहेंगे. सो दैट इज कैटास्ट्रोफाइजिंग. एंड अदर अ वेरी कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन विच इज यूज्ड बाय डिप्रेसिव क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इज सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन. हर चीज को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेना, हर चीज में अपने आप को जिम्मेदार ठहराना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, अपने आप को ब्लेम करना फॉर एवरी थिंग दैट इज गोइंग ऑन विद इन द एनवायरमेंट, जो कि सराउंडिंग्स में क्या हो रही है, वट एवर जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड, सिर्फ अपने आप को ही एक अपने आप को एक ब्लेमर कंसिडर करना, ये कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, इन सिंपल टर्म्स. और यहाँ तक कि ऐसे लोग दूसरों से भी खुद को कंपेयर करते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट है, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, उसने आज अच्छी ड्रेसिंग की है, मैंने अच्छी ड्रेसिंग नहीं की, उसका तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा क्यों है. वो हमेशा अपने आप पे नेगेटिव क्वेश्चंस थ्रो करते रहते हैं, जो कि पर्सनलाइजेशन यूज करते हैं. That is they only and only blame themselves for whatever is going on in the environment. अगर वो वजह at times उनकी वजह से नहीं भी होता, फिर भी उनको यही perceive लगता है, उनको यही perceive करते हैं, उनको यही लगता है कि उनकी life में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है. आज जो मेरी फ्रेंड स्कूल नहीं आई बस मेरी वजह से नहीं आई, वो रात में मैंने फोन पे उससे इस तरह की बात की थी ना, तो उसको शायद बुरी लग गई, वो मेरी वजह से नहीं आई स्कूल. लास्ट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फॉर दिस वीडियो इज कंट्रोल फॉल्सीज. कंट्रोल फॉल्सीज अगेन, कंट्रोल फॉल्सीज जो है एक कह सकते हैं ये भी एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जहां पे आप इनसाइट कंप्लीटली ब्लॉक हुई भी होती है. नॉर्मली तो मोस्ट सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में इनसाइड ब्लॉक हुई भी होती है, मगर इसमें कुछ ज्यादा हुई भी होती है, बिकॉज यहाँ पे इंसान की एक थिंकिंग इतनी इरेशनल होती है कि वो अपने आप को दो चीजों में डिवाइड कर लेता है, कि या तो वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है या इंटरनली कंट्रोल्ड है. जो लोग एक्सटर्नल कंट्रोल पॉलिसी यूज करते हैं, फर्स्ट बिफोर टेलिंग कि व्हाट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी, लेट मी टेल यू के फॉल्सी वैसे क्या चीज होती है. फॉल्सी इज अ फॉल्टी रीजनिंग, यानी आप सिर्फ चीजें महज देखकर उनके अजम्पशंस और उनकी वैल्यूएशंस फॉर्म कर लेते हो, आप उनका मेरिट नहीं देखते कि वो चीजें क्या हमें फायदा भी पहुंचाएंगी, वो चीजें सोचने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इज इट गिविंग मी एनी बेनिफिट, या जो दूसरे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं क्या उनको किसी किस्म का बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड अ फॉल्सी. और कंट्रोल फॉल्सीज का ये है बेसिकली कि कंट्रोल फॉल्सीज में व्हेन अ पर्सन थिंक्स दैट ही और शी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, जब एक क्लाइंट को लगता है कि वो एक्सटर्नल तौर पे कंट्रोल है, तो वो अपने आप को बिल्कुल पावरलेस विक्टिम ऑफ फेट समझता है, कि उसकी कोई गलती ही नहीं है, ये दूसरों की गलती है, दूसरों की वजह से मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, दूसरों की वजह से मेरी लाइफ में मिसहैप्स हो रहे हैं, या तो आज मौसम खराब है इसलिए मेरा दिन खराब हो गया, या तो मेरी किस्मत ही खराब है. यानी वो अपने आप को नहीं ब्लेम करते हैं, वो दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, या वो एक्सटर्नल सोर्सेस पे, जैसे कि वेदर हो गया, लक, फेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने जॉब पे कोई मिस्टेक की है, किसी ने जॉब पे कोई गलत परफॉर्म किया है, या कुछ स्कूल में किसी ने गलत परफॉर्म किया है, तो टीचर को या बॉस को ब्लेम किया जा रहा है कि आपने जो क्वालिटी ऑफ वर्क दी थी वो ही इतनी पुअर थी, तो ये काम किस तरह अच्छा हो सकता था. एंड एट द सेम टाइम अ पर्सन थिंक्स कि वो इंटरनली भी कंट्रोल्ड है, यानी पर्सन स्टार्ट्स ब्लेमिंग हिमसेल्फ के मेरी वजह से दूसरों की लाइफ में मिसहैप्स हो रहे हैं, मेरी वजह से दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटीज हो रही हैं, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि आज को उसकी शादी नहीं हुई है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि आज को उसकी डिवोर्स हो गई है. सो पर्सनलाइजेशन में और कंट्रोल पॉलिसीज में मेन डिफरेंस यही है कि आप पर्सनलाइजेशन में सिर्फ अपना एक सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ होता है, अपने आप को ही आप हर चीज का जिम्मेदार ठहराते हो, मगर कंट्रोल पॉलिसीज में आप अपने आप को और एट द सेम टाइम दूसरों को भी आप जिम्मेदार ठहराते हो. फॉर दिस वीडियो टुडे मैंने आज सेवन
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस डिस्कस किए. ये सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत ज्यादा सोशली, मेंटली, पर्सनली, इंटेलेक्चुअली, हर डोमेन ऑफ लाइफ में इंसान को बहुत सीवियरली और एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. इसलिए इनकी जो है सबसे बेस्ट इनकी अनरैवलिंग वो सीबीटी में ही होती है, जहाँ क्लाइंट्स डिस्कस करते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस जब हमारे साथ, और हम फिर उनको एक तरह से गाइड करते हैं, और उनके साथ हम फिर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को डिस्कस करते हैं. वी क्वेश्चन देम कि अगर आप ये यूज भी करें तो क्यों, और अब तक अभी यूज करते आए तो आपको क्या कोई फायदा मिला है या कुछ. और हम उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स भी रखते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट्स को थिंकने पे भी मजबूर हो जाए कि अच्छा हाँ, मैं तो ये अब तक यूज करता आया हूँ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. और इसके इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इसके ऑल्टरनेटिव क्या बेटर थॉट ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको मैं यूज करके अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता हूँ. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हैं वो ना सिर्फ आपके माइंड को इफेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को, बाकी आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी बहुत एडवर्सली एंड सीवियरली इफेक्ट करते हैं. वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट फील करते हैं जो हर वक्त किसी ना किसी आउट ऑफ दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस किसी दो या तीन में भी मुबतला होते हैं, जैसे कि सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड हो गया. बॉडी लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर एक सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है. डिप्रेसिव क्लाइंट्स के अंदर बिल्कुल जो है वो एक सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से उनका गिल्ट उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा होता है कि वो तो अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं या वो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं. वो कभी भी इस बात को नहीं सोच पाते कि देर इज नो वन टू ब्लेम, नॉट अस, नॉट द अदर पीपल, दैट एक्चुअली द थॉट विच नीड्स टू बी ब्लेम. सो सीबीटी के थ्रू कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत अच्छे तरीके से टैकल किए जाते हैं, एंड क्लाइंट्स जो हैं उनको ये काफी इंसाइट डेवलप हो जाती है कि अब तक जो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यूज करते आए हैं क्यों करते आए हैं, इनका कोई इनका फायदा है भी नहीं है, तो अब हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं. आई एम श्योर जिसने भी ये वीडियो देखी है आज, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर फील हुआ होगा कि आप लोग भी जनरली तौर पे इनमें से दो तीन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के शिकार हो, यूज करते हो. सो माइंड केयर ओन इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म विद वेरी गुड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मी, गुलाम कादिर, मैम फरा एंड अदर साइकोलॉजिस्ट थ्रू एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर योर काउंसलिंग सेशंस, फॉर योर साइकोथेरेपी सेशंस, जहां अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी थिंकिंग इसी डिस्टॉर्टेड है, इतनी ट्विस्टेड एंड टर्न्ड इन एंड आउट है, और आपको भी जो है काउंसलिंग सेशन और प्रोफेशनल हेल्प की नीड है कि आप अपनी थिंकिंग को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें, तो आप माइंड केयर ऑन पे, विच इज अ सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, प्लीज कॉन्टैक्ट करें. लेट अस नो अबाउट योर कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, एंड इंशाल्लाह प्रोफेशनल हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड यू कैन लीड अ सेफ, सिक्योर एंड अ बेटर लाइफ. इन माई नेक्स्ट वीडियो, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि 15 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं इन ऑल, लेकिन आज मैंने सिर्फ 7 डिस्कस किए. द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी डिस्कसिंग द 8 मोर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. ये 7 जो है आई होप आपको इजली अंडरस्टैंडेबल हो, बिकॉज मैंने काफी डेली एग्जाम्पल से इनको रिलेट किया है. मेरी जो नेक्स्ट वीडियो में होगी वो मैं 8 मोर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो है डिस्कस करूंगी. एंड टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर पीपल, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अल्लाह ताला हमें जल्द इस पैंडेमिक की सिचुएशन से बाहर निकालें. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें. और आजकल तो वैसे भी लोग मोस्टली ड्यू टू दिस पैंडेमिक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तो यूज हो रहे होंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप लोग जो हैं हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट माइंड केयर ऑन, सो दैट वी आर देयर टू प्रोवाइड यू एंड गाइड यू विद प्रोफेशनल हेल्प. इंशाल्लाह आई एम साइनिंग ऑफ. In my next video, I'll be talking about more cognitive distortions and would be coming up with more good, effective, and useful examples.
Allah Hafiz. If you have any questions, please feel free to write in the comment box. And as soon as I'll get time, I'll answer those questions. Allah Hafiz. Take good care of yourself.